गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माई वीडियो लेक्चर। टूडे इन द क्लास ऑफ BCA फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन वी विल स्टडी अबाउट द फ्रेमिंग। आज हम बात करेंगे फ्रेमिंग क्या होती है, ठीक है। फ्रेमिंग के बारे में बात करेंगे। फ्रेम्स आर द यूनिट ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन पर्टिकुलरली इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जब डिजिटल ट्रांसमिशन होता है तो उसी का एक यूनिट है फ्रेम। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया होगा, फ्रेम्स मतलब पैकेट्स या फ्रेम किसी इन्फॉर्मेशन का आप कह सकते हैं कि यूनिट, उसे फ्रेम कह सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जब डिजिटल ट्रांसमिशन होता है तो जो फ्रेम है कि यूनिट है उस ट्रांसमिशन की, एंड टेली कम्युनिकेशन फ्रेम्स आर कंपेरेबल टू द पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड। जो भी पैकेट हम सेंड करते थे उसी की से कंपेयर कर सकते हैं इसकी हम, ऑफ एनर्जी कॉल फोटोन इन केस ऑफ लाइट एनर्जी। अगर लाइट एनर्जी की बात करें तो इन्हें फोटोन्स के नाम से भी जाना जा सकता है। फ्रेम इज कंटिन्यूसली यूज्ड इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस है उसमें कंटिन्यूसली फ्रेम्स हमारे यूज किए जाते हैं। फ्रेमिंग इज ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स और डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए वायर इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड एज ए स्ट्रीम ऑफ बिट्स। फ्रेमिंग क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है दो सिस्टम के बीच में, किसके थ्रू? किसी वायर्स के थ्रू, कंप्यूटर डिवाइस के कंसिस्ट ऑफ ए वायर, किसी वायर के थ्रू पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन है वो हमारा फ्रेमिंग कहलाता है। इन विच, इसमें क्या होता है, डेटा इज ट्रांसमिटेड एज ए स्ट्रीम ऑफ बिट, यानी जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो बिट के स्ट्रीम के रूप में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बिट की स्ट्रीम के रूप में ट्रांसमिट होता है। हाउ एवर दीज बिट्स मस्ट बी फ्रेम्ड इन टू डिस्क्रिनेबल, ठीक है, ब्लॉक। लेकिन जबकि ये जो भी फ्रेम हैं, बिट हैं, वो हमारी एक फ्रेम्ड होती हैं डिस्क्रिनेबल ब्लॉक में ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनमें यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन फ्रेम्स में हमारी किस जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो हमारी स्टोर रहती है ब्लॉक्स के रूप में, ठीक है। फ्रेमिंग इज़ ए फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर। जो फ्रेमिंग है वो हमारा डेटा लिंक लेयर का एक फंक्शन है। इट प्रोवाइड्स ए वे फॉर ए सेंडर टू ट्रांसमिट ए सेट ऑफ बिट दैट आर मीनिंगफुल टू द रिसीवर। ये एक तरीका है या ये एक तरीका प्रोवाइड कराता है फ्रेमिंग, जिससे कि जो सेंडर है वो अपने सेट ऑफ बिट्स को, यानी किसी बिट्स के ग्रुप को या बिट के समूह को या सेट ऑफ बिट्स को ट्रांसमिट कर सकता है, जो ऐसी बिट्स जो मीनिंगफुल हो, ठीक है, किसके लिए? रिसीवर के लिए। तो उसको ट्रांसमिट करता है मीनिंगफुल रिसोर्सेज को, तो वो हमारा कहलाता है फ्रेम। इथरनेट टोकनिंग फ्रेम रिले एंड अदर डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी हैव देयर ओन फ्रेम स्ट्रक्चर। इथरनेट हो, चाहे टोकन रिंग हो, चाहे फ्रेम रिले हो, उनके पास अपना खुद का, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। फ्रेम्स हैव हेडर दैट कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज एरर चेकिंग कोड्स। जो फ्रेम है उनके का एक हेडर भी होता है जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है एरर चेकिंग कोड्स की, ठीक है। एरर चेकिंग जो कोड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन रहती है। एट द डेटा लिंक लेयर इट एक्सट्रैक्ट मैसेज फ्रॉम सेंडर एंड प्रोवाइड इट। एट द डेटा लिंक लेयर, अगर डेटा लिंक लेयर पर बात करें तो इट एक्सट्रैक्ट मैसेज, ये सेंडर से मैसेज को एक्सट्रैक्ट करता है एंड प्रोवाइड इट टू द रिसीवर, और रिसीवर को प्रोवाइड कराता है इस मैसेज को बाय प्रोवाइडिंग सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस। इसमें दोनों का एड्रेस रहता है कि किस से रिसीव हुआ और कहाँ से किसने रिसीव किया, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस इसमें रहता है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रेम्स इज दैट डेटा इज ब्रोकन अप इंटू रिकवरेबल चंक्स। जो एडवांटेज है इसका फ्रेम का कि ये है कि जो हमारा डेटा चंक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है उसे ब्रोक किया जाता है और उसे आसानी से रिकवर किया जाता है। दैट कैन ईजिली बी चेक्ड फॉर करप्शन, जिससे कि ईजिली उस डेटा को करप्टेड होने से बचाया जा सके, ठीक है। अब फ्रेमिंग की तो बात हमने कर ली,
अब हम बात करेंगे फ्रेमिंग जब करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती हैं, नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारी आ सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स इन फ्रेमिंग में बात करें तो पहली प्रॉब्लम है डिटेक्टिंग स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, ठीक है, डिटेक्टिंग स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। इसमें क्या है, व्हेन ए फ्रेम इज ट्रांसमिटेड, जब एक फ्रेम ट्रांसमिट होता है एवरी स्टेशन मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट इट, तो जितने भी स्टेशंस हैं उसके पाथ में, उसके रूट में, ठीक है, जिस तो वो उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टेशन डिटेक्ट फ्रेम्स बाय लुकिंग आउट फॉर स्पेशल सीक्वेंस ऑफ बिट्स, और जो स्टेशन कैसे डिटेक्ट करते हैं फ्रेम को, किस तरीके से, जो स्पेशल सीक्वेंस है बिट्स का उसको देखकर, ठीक है, बिट्स का जो यानी बिट स्ट्रीम को हम सेंड करते हैं तो बिट स्ट्रीम का जो स्पेशल सीक्वेंस है उसी के आधार पर जो स्टेशन हैं वो फ्रेम को डिटेक्ट करते हैं। दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम, जो कि जो फ्रेम की बिगिनिंग है उसे मार्क करते हैं, मतलब उसे चेक करते हैं, दैट इज वो कहलाई जाती है SFD यानी स्टार्टिंग फ्रेम डेलीमीटर, उसे हम स्टार्टिंग फ्रेम डेलीमीटर के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हमारे डिटेक्टिंग स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हाउ डू स्टेशन डिटेक्ट ए फ्रेम, कि स्टेशन एक फ्रेम को कैसे डिटेक्ट करेगा या करता है। एवरी स्टेशन लिसन टू लिंक फॉर SFD पैटर्न, जो जितने भी स्टेशन हैं हमारे वो SFD का जो लिंक है, लिंक पैटर्न है, थ्रू ए सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट के थ्रू SFD यानी कि स्टार्टिंग फ्रेम डेलीमीटर का को देखते हैं पैटर्न को सीक्वेंस सर्किट के थ्रू। इफ़ SFD अगर जो स्टार्टिंग फ्रेम डेलीमीटर इज डिटेक्ट, अगर स्टार्टिंग फ्रेम डेलीमीटर डिटेक्ट हो गया, सीक्वेंशियल सर्किट अलर्ट्स स्टेशन, जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो स्टेशन को अलर्ट करता है। स्टेशन चेक डेस्टिनेशन एड्रेस, स्टेशन क्या करेगा फिर उस फ्रेम का डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा। टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट फ्रेम, कि फ्रेम को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिटेक्टिंग एंड ऑफ फ्रेम यानी कि फ्रेम का एंड को डिटेक्ट करना। व्हेन द टॉप स्टॉप रीडिंग द फ्रेम, ये कब होती है, जब फ्रेम की रीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम फ्रेमिंग में हमें जो प्रॉब्लम आती है उनके बारे में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग दो तरह की होती है हमारी, टू टाइप्स की फ्रेमिंग होती है। फ्रेमिंग के दो टाइप हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड साइज की बात करें तो द फ्रेम इज ऑफ फिक्स्ड साइज, जो फ्रेम होते हैं वो फिक्स्ड साइज के होते हैं, एंड देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड बाउंड्रीज, और उसमें कोई बाउंड्री प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है, ना लिमिट, क्योंकि उनका साइज हमेशा फिक्स रहता है। टू द फ्रेम लेंथ ऑफ द फ्रेम इटसेल्फ एक्ट एज डेलीमीटर, तो जो फ्रेम की लेंथ होती है वो खुद में एक डेलीमीटर की तरह एक्ट की जाती है, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक है इट सफ़र्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है तो ये सफ़र करता है ये प्रोसेस फिक्स साइज का। इफ़ डेटा साइज इज लेस देन फ्रेम साइज, कब, जब डेटा का साइज फ्रेम साइज से कम है तब हमारी जो फ्रेगमेंटेशन है इंटरनल वो सफ़र करता है, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन है पैडिंग, पैडिंग एक फैसिलिटी है वो इसका सॉल्यूशन है। सेकंड नंबर अगर हम बात करें टाइप्स की तो वो है वेरिएबल साइज, यानी एक फिक्स साइज और एक वेरिएबल साइज, जैसा कि नाम से पता चला इसका साइज हमारा फिक्स नहीं रहता है, वेरिएबल साइज है इसका। इन दिस देयर इज़ ए नीड टू डिफाइन एंड ऑफ फ्रेम एज वेल एज बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट फ्रेम टू डिस्टिंग्विश, इसमें क्या होता है, उसमें तो सब फ्रेम एक जैसे होते थे तो कोई ज़रूरत नहीं होती थी तो उसकी बाउंड्री डिफाइन करने की, लेकिन वेरिएबल साइज में क्या होता है, इसमें उसकी फ्रेम की बाउंड्री डिसाइड करनी होगी, यानी कि हमारा जो एंड फ्रेम है वो कौन सा है और बिगिनिंग फ्रेम है वो कौन सा है, ये डिफाइन करना पड़ेगा। दिस कैन बी डन इन टू वेज, और इसे हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, कौन से तरीके से, या लेंथ फील्ड के थ्रू, लेंथ फील्ड के थ्रू कैसे डिफाइन करते हैं, वी कैन इंट्रोड्यूस ए लेंथ फील्ड, हम एक फ्रेम की लेंथ फील्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन द फ्रेम टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ द फ्रेम, जो कि फ्रेम की लेंथ को इंडिकेट करे। यूज्ड इन इथरनेट 802.3, जो कि ऐसी
ये प्रोसेस इसमें फ्रेम की लेंथ किसमें इंडिकेट की जाती है, इथरनेट 802.3 में। द प्रॉब्लम विद दिस दैट समटाइम द लेंथ फील्ड माइट गेट करप्टेड, बस ये प्रॉब्लम रहती है इसमें, कभी कभी जो लेंथ फील्ड है हमारी वो करप्ट हो सकती है। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या है जिसके थ्रू हम ये उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करेंगे, वो है एंड डेलीमीटर, यानी ईडी जैसे कहते हैं। बी कैन इंट्रोड्यूस एंड डेलीमीटर पैटर्न टू इंडिकेट द एंड ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के एंड को इंडिकेट करने के लिए एंड डेलीमीटर को हम यूज कर सकते हैं, उसके पैटर्न को यूज कर सकते हैं। यूज्ड इन टोकन रिंग, जो कि मोस्टली टोकन रिंग में हम जैसा करते हैं। द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट ईडी कैन अकर इन द डेटा, जो ईडी है वो हम डेटा के साथ कर सकते हैं, यानी कि एंड ऑफ डेलीमीटर डेटा के साथ किया जा सकता है। दिस कैन बी सॉल्व बाई, और ये किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है, इसको सॉल्व करने के दो पॉइंट हैं। पहला करैक्टर बाइट स्टफिंग, ठीक है, करैक्टर ऑब्लिक बाइट स्टफिंग के द्वारा। यूज्ड व्हेन फ्रेम्स कंसिस्ट ऑफ ए करैक्टर, ये तब यूज होती है जब फ्रेम में हमारे करैक्टर्स हैं। ठीक है, इफ़ डेटा कंटेन ईडी देन बाइट इज स्टफ्ड इनटू डेटा, अगर जो डेटा एक एंड डेलीमीटर कंटेन करता है तो जो बाइट हैं वो हमारे डेटा में स्टफ्ड हो जाते हैं। टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम ईडी, कि इसको एंड डेलीमीटर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसका डिसएडवांटेज है इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड ऑब्सोल्यूट मेथड, बहुत कॉस्टली और ऑब्सोल्यूट मेथड है। दूसरा है बिट स्टफिंग, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ईडी इक्वल टू हमारा है 0111 एंड इफ डेटा इक्वल टू 0111 दोनों सेम है तो क्या होगा, सेंडर स्टफ ए बिट टू ब्रेक द पैटर्न, तो सेंडर जो है वो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए एक स्टफ सेंड करेगा बिट का। और हियर अपेंड्स 0 इन डेटा, तो भाई क्या करा है, एक जीरो इस डेटा में सेंड करेगा, अपेंड्स कर देगा, तो इस ये जो डेटा है वो ये इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो इन्होंने एक अपेंड्स कर दिया। रिसीवर रिसीव द फ्रेम, रिसीवर जो है रिसीव फ्रेम को रिसीव करेगा। इफ़ डेटा कंटेन दिस, रिसीवर रिमूव्स द जीरो, जब डेटा ये कंटेन करेगा तो रिसीवर क्या करेगा, इस जीरो को रिमूव कर देगा और रीड द डेटा, डेटा को रीड करेगा और प्रॉपरली ये डेटा उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक फ्रेमिंग, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।